और यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी एसटीएफ के हाथ बड़ी कामयाबी आज लगी है। अतीक अहमद और अशरफ के साले सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उमेश पाल केस में लंबे वक्त से सद्दाम फरार था और 1,00,000 रुपए का इनाम भी उस पर घोषित था। आज यूपी एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली, कर्नाटक और मुंबई में छिपकर रह रहा था सद्दाम। अपनी प्रेमिका अनस से मिलने के लिए जा रहा था आज और उसी वक्त एसटीएफ ने उसको दबोच लिया। अशरफ के दाएं हाथ के तौर पर सद्दाम काम करता था। अतीक अहमद और अशरफ का साला था सद्दाम। दुबई भी वो जा चुका है लेकिन कुछ दिनों पहले ही वापस दिल्ली लौट आया था और तभी से लगातार एसटीएफ की रडार पर था। कर्नाटक में रहा, मुंबई में उसकी लोकेशन मिली थी लेकिन अब दिल्ली से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एसटीएफ के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। उमेश पाल केस को लेकर के लगातार सद्दाम की खोज की जा रही थी। 1,00,000 रुपए का इनाम भी उस पर घोषित किया गया था। अतीक अहमद और अशरफ का साला है सद्दाम, जिसे आज यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली, कर्नाटक और मुंबई में छिपकर वो लगातार रह रहा था। अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आज वो आया था और इसकी जानकारी एसटीएफ को किसी तरह लगी, जिसके बाद ये छापामार कार्रवाई की गई और मौके से सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि अशरफ के दाएं हाथ के तौर पर सद्दाम काम करता था। इससे पहले वो दुबई भागकर चला गया था लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले ही वापस दिल्ली लौटा था और इसकी जानकारी एसटीएफ को उस वक्त से थी और इसी वजह से लगातार उसको ट्रैक किया जा रहा था। फिलहाल यूपी एसटीएफ ने अशरफ के साले सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया है और उमेश पाल केस में बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी एसटीएफ के हाथ इस वक्त बड़ी कामयाबी लगी है। अतीक अहमद और अशरफ के साले सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उमेश पाल केस में लंबे वक्त से सद्दाम फरार था और उस पर 1,00,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। दिल्ली, कर्नाटक और मुंबई में छिपकर वो रहा है और अपनी प्रेमिका अनस से मिलने के लिए आज दिल्ली पहुंचा था, जहां यूपी एसटीएफ ने उसे दबोच लिया। अशरफ के दाएं हाथ के तौर पर वो काम करता रहा है और लगातार उसका नाम सुर्खियों में पूर्वांचल में रहा है। दुबई भी वो जा चुका है लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले ही वापस दिल्ली लौट कर आया था और तभी से एसटीएफ लगातार उसे ट्रैक कर रही थी। और एसटीएफ को आज बड़ी सफलता उस वक्त मिल गई जब दिल्ली से उसे गिरफ्तार किया गया है। उमेश पाल केस में लंबे वक्त से सद्दाम फरार था और 1,00,000 रुपए का इनाम उस पर घोषित किया गया था। दिल्ली, कर्नाटक और मुंबई में वो छिपकर रह रहा था। अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आज दिल्ली पहुंचा था और यूपी एसटीएफ ने सूचना के आधार पर आज यूपी एसटीएफ ने दिल्ली में छापामार कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। दुबई भी जा चुका है सद्दाम लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले ही वापस हिंदुस्तान लौट कर आया था और तभी से लगातार यूपी एसटीएफ उसको ट्रैक कर रही थी। आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और अतीक अहमद और अशरफ साले सद्दाम को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। गुड्डू मुस्लिम, शूटर साबिर और अरमान की अभी भी एसटीएफ को तलाश है और लगातार इसके लिए भी एसटीएफ प्रयास कर रही है कि इन तीनों को भी गिरफ्तार किया जाए। लेकिन फिलहाल सद्दाम जो रडार पर था, 1,00,000 रुपए का नाम उस पर घोषित किया गया था, आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता मिल गई।